शुरू करते हैं आज का टॉपिक और हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना, ज़्यादा बारिश होती है, कई कई जगह पर ज़्यादा बारिश होती है ना, तो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का जो है हिलना, कभी कभार पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है तो फिर तूफान आता है या चक्रवात होता है, समुद्र के अंदर लहरें बहुत तेज़ी से उठती है ना, तो बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है उसमें, और पानी है जो वो काफ़ी घरों में फैल जाता है। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो घटनाएं हैं वो किस वजह से उत्पन्न होती हैं और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हमें सावधानियां रखनी है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए, भूकंप, चक्रवात, तूफान, ज्वालामुखी का फटना, ये सब जानलेवा खतरनाक साबित हो सकता है, हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बचाव सुरक्षा कैसे करें, और हमें किस प्रकार की जो सावधानियाँ हैं वो रखनी है, तो इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। बिजली, बादल में जब बादल गरजते हैं, बिजली उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण है और हम हमारे लिए वो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, भूकंप कितना नुकसानदायक हो सकता है, चक्रवात, तूफान, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनकी सुरक्षा और सावधानियाँ भी पढ़ेंगे। जब तड़ित क्या होता है, विद्युत के तार जो होते हैं वो ढीले होते हैं, ढीले हो जाने पर जो खंभे होते हैं वहाँ आसपास में तार टकराते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है और विद्युत खंभों पर चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, बिजली उत्पन्न हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होती है तो चिंगारियाँ निकलती हैं। ये घटना क्यों होती है, क्योंकि जब आंधी या आंधी होती है या फिर हवा चलती है तो तार क्या होते हैं, ढीले होते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है, चिंगारियाँ निकलती है। अगर कोई वहाँ पास में हो तो उनके जान को खतरा हो सकता है, अगर वहाँ पर कोई पक्षी बैठा है तो उनकी जान को भी खतरा होता है। जब पवन चलने पर तार ढीले होते हैं, आपने सॉकेट में पलक के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती देखी होगी, तड़ित भी एक विशाल स्तर का स्तर की विद्युत चिंगारी की है, तो इसी तरीके से जो तड़ित होती है वह भी एक तड़ित भी एक चिंगारी विद्युत चिंगारी की तरह ही होता है, उसके अंदर भी के अंदर भी खतरा है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, प्राचीन काल में लोग इस चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, काफी करोड़ों वर्ष पहले की बात है या लाखों वर्ष पहले की बात है, इस चिंगारियों अगर होती थी तो लोगों को इस बात का अनुभव नहीं था कि यह आखिर में है क्या, तथा वे तड़ित से डरते थे, और वो तड़ित जब भी कोई बादल गरजते थे या फिर चिंगारियां उत्पन्न होती थी तो लोग डरते थे।
करते थे और उनको इस बात से घबराहट होती थी कि आखिर में ये है क्या और ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये सोचते थे कि ये जो बादल गरजते हैं, बिजलियाँ उत्पन्न होती है, वो भगवान के क्रोध होने पर ऐसा सब होता है, भगवान नाराज होते हैं तो ये सब करते हैं, ऐसा पहले के लोग सोचते थे। लेकिन असली वजह क्या है, इसका कारण क्या है, विज्ञान की भाषा में, अगर साइंस की भाषा में हम देखें तो ये हलचल क्यों होती है और इसमें असली कारण क्या है कि बादल के अंदर जो आवेश होते हैं, आवेश एकत्रित हो जाते हैं। आवेश जब एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर चिंगारियाँ या बिजली उत्पन्न होती है, बादल फटने की स्थिति में, ऐसे बोलते हैं बादल फटते हैं तो आवेश एकत्रित हो जाते हैं, और जब आवेश एकत्रित होते हैं तो फिर वो आवाज़ आती है, बिजली उत्पन्न होती है। इस तड़ित से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चिंगारी चिंगारी के बारे में चिंगारी